पादे तो बहुत सारे लगे हैं, तुम बोल रहे तुम्हारा टाल। रात को चौकन्ना रहना पड़ेगा पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए कैंपिंग वीडियो में। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने घर से, अपनी कैंपिंग साइड, और आज हम जा रहे हैं काफी दूर। बता दें आपको, आज हम जा रहे हैं रीची साइड, वहाँ पे मेरा मौसी का लड़का रहता है, तो उधर साइड आज हम कैंपिंग करेंगे। तो दोस्तों हमें मिल गई यहाँ पे गाड़ी, भाई जी जा रहे हैं जरा नीचे को, तो इसमें हम भी ना सोने डालते जाएंगे, इसमें पहले डालते हैं बैग। ये अच्छी बात है कि गाड़ी मिल गई हमको, नहीं तो हमें ना पैदल ही जाना पड़ता अभी। मन इसमें लोकेशन आ गया, मिल जाएगी हमको। लेट हो गए भाई, हम काफी लेट हो गए। तो गाइस हम अपनी कैंपिंग लोकेशन में तो निकल गए हैं ना, लेकिन इधर अभी तक हमें लोकेशन मिली नहीं है कि जहाँ पे हम अपना टेंट पिच कर सकें। आप देख सकते हैं अभी कितनी खड़ी चढ़ाई में है यार। अमन कह रहा है कि ऊपर है इसमें टॉप की जगह अच्छी, तो देखते हैं इसमें आगे टॉप की जगह कहाँ पे है। आप देख सकते हैं अभी हम कितनी खड़ी चढ़ाई में है। तो गाइस इसमें ना हमें अभी बहुत ऊपर जाना है। जो पेड़ देख रहे हैं ना हरे हरे, उस साइड में अगर कैंपिंग की जगह मिलेगी तो उधर ही टेंट पिच करेंगे। फाइनली दोस्तों हम अपनी कैंपिंग लोकेशन में पहुंच गए हैं काफी चढ़ाई के बाद ऊपर से, और काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे जो हम आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाएंगे, क्योंकि अभी लेट हो चुके हैं। अब वैसे लग रहा है कि शाम को बारिश भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बना है ना बारिश भी हो सकती है। यहाँ पर ना थोड़ा सा जंगल एरिया भी काफी ज्यादा, बांस के पेड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फटाफट पहले टेंट पिच कर लेते हैं। चलो तो फाइनल दोस्तों हमारा टेंट पिच हो गया है। यहाँ पर हम पहले हमने अपनी लोकेशन दिखाई थी ना आपको, वहाँ बहुत ज्यादा घास भी और नीचे है पत्थर, तो वहां से हमने हट के हम आगे नीचे यहाँ पे जहाँ पे अच्छी जगह भी है, घास भी कटी हुई है, टेंट पिच हो गया हमारा। तो फटाफट पहले लकड़ी ढूंढ के लाएंगे। लकड़ी ढूंढ के लाते हैं, फिर बढ़िया से चाय बनाते हैं। काफी मजा आने वाला है, काफी ठंडा भी है यहाँ पे। यहाँ बहुत ठंडा क्योंकि काफी ऊंचाई में है अभी हम। मॉर्निंग का व्यू आपको सुबह दिखाएंगे, काफी अच्छा व्यू है, कुछ अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। पहले फटाक से लकड़ा लेके आते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है। टाइम बताते हैं आपको कितना हो रहा है, अभी 7:45 हो गए भाई। फटाफट करते हैं अभी लकड़ी लेके आते हैं। चलो चलो फिर चलो दोस्तों। यहाँ पे लकड़ा नहीं मिल रही हमको बिल्कुल भी, और हम देख रहे हैं कि इस पेड़ पे कुछ मिलता है तो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी लकड़ा नहीं है। यहाँ पे ठंड का इलाका ज्यादा है, तो लोग ना छानबीन पहले करते हैं लकड़ियों की, काफी इकट्ठा करते हैं लकड़ी। तो अमन भाई कैसे होगा लकड़ियों का? दोस्तों लकड़ियां हमको इधर मिल नहीं, किसी की ठेली पे है लकड़ी यहाँ पे, थोड़ा सा उठा ला रखे वहां से, अगर कम पड़ेंगे तो फिर ले आएंगे। और चलो भाई पीते हैं चाय अभी, अमन ले भाई पियो बिस्कुट खोलता हूँ। भाई आग से जाना अभी मिल गई यहाँ पे, ठंडा बहुत है। डर लगी थी कि लग रहा नहीं मिलेंगे हमको आज यहाँ। भाई मेरे तो घुटना गर्म हो गया। डबल बिस्कुट आ गए, चाय तो बढ़िया हो रही है। यार
आज क्या बनाओगे फिर तुम? आज बनेगी आलू गोभी। आलू गोभी सही है। चटपटा बनाओगे या ऐसे नॉर्मल? चटपटा बनाएंगे इसको यार, ठंड भी बहुत हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। चलो जल्दी जल्दी कटिंग करो, फिर लेट हो रही है। बस हो गया ये, टाइम भी हो गया, 8:20 हो गए। 8:20 हो गए? भाई की हवा कितनी तेज है यहाँ पे। जल्दी करो भाई, जल जाएगा जीरा। मिर्ची सारी मत डाल, बस बस ये लाल मिर्च है ना। ज्यादा भर गया है सब्जी, कढ़ाई छोटी लग रही कढ़ाई यहाँ पर। टॉर्च जलाओ जरा, इस तरफ का जो है सुबह मॉर्निंग में दिखेगा आपको काफी खूबसूरत। इधर भी लाइटें दिख रही हैं सामने, उधर गांव में, और सामने सुबह जो दिखेंगे इधर भी बढ़िया सा लोकेशन आपको बढ़िया सुबह मॉर्निंग में दिखेगा। बाकी फिलहाल हमारा टेंट ये है, कितना प्यारा लग रहा है देख सकते हैं आप। और भाई जी ने सब्जी चढ़ा दी है। भाई बहुत ठंड हो रही है और लकड़ी लानी पड़ती है पहले, चलो लकड़ी लेके आते हैं। हाँ लकड़ी भी लाते हैं। और अमन भाई अपने टेंट से, हमारे टेंट से बाहर आ गए, कह रहे हैं यार टेंट के अंदर ठंड हो रहा है, आग सेकने आ जाता हूँ ठंड हो रही करके। ओहो मैं भी आग सेकता हूँ जरा से। सब्जी तो मस्त बनेगी यहाँ झम्बाली, ठंड बहुत हो रही, पर ठंड बहुत हो रही है अभी सुबह तक, पता नहीं कितना ठंड हो गया। बारिश भी हो सकती है, बारिश भी पड़ सकती है क्योंकि जो चांद पे घेरा बना रखा है ना, बड़ा घेरा है, कहते हैं कि अगर चांद में छोटा घेरा हो तो दूर बारिश होती है, और अगर बड़ा घेरा हो तो नजदीक में बारिश होती है। ये बड़ा घेरा है, हाँ तो हो सकता है इधर हो सकती है बारिश। वैसे तो तारे लगे हैं, खैर अभी काफी टाइम हो गया बारिश भी नहीं हुई। हाँ आटे आटे गूंदने की तैयारी करते हैं फिर। चलो पहले लकड़ी लेके आते हैं। हाँ लकड़ी लेके आते हैं। चलो सब्जी तो हमारी हो गई है रेडी, मस्त सब्जी बन रखी है। भाई साहब जो है हमारे आटा गूंथ रहे हैं फटाफट से, इसके बाद हम सीधा रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं, फिर आराम से अंदर जाते हैं टेंट के अंदर, क्योंकि काफी ठंडा हो रहा है बाहर, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है रहना। ये भाई टॉर्च वॉर्च लगा लो जरा, इधर को यार ठंडा बहुत हो रहा है यार, टॉर्च लगाना पड़ेगा भाई। 10 बजने वाले क्या हो, खतरा है भाई अमन भाई, यहाँ जंगल में ना पूरा नौ तेरे पास भी यार यहाँ पे जानवरों का, क्योंकि बाज का जंगल है ना, बाज का पेड़ है ना इधर पूरे, बाज आग का खतरा काफी है। भाई सही से मारते रहो इधर उधर, हाँ आंखें चमकेंगी तो मुलाकात हो जाएगी। रात को चौकन्ना रहना पड़ेगा पूरा। ये मोटी लकड़ी लगा दो यार, आग भी कम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे आग कम हो जाएगी तो समझ लो कि खतरा ज्यादा, खतरा ज्यादा है। आग तो चाहिए। चलो हमारी रोटी भी बन चुकी है,
बढ़िया ढंग से अब खाना खाएंगे। सब्जी तो काफी अच्छी लग रही है। मजा आ गया बिल्कुल। दोस्तों आप वहां के सामने आवाज सुन सकते हैं जानवर की, ये देखिए। ये उसने पूरा ये एरिया पूरा गर्जा रखा है, जहां तक हम हैं यहाँ तो पूरा बहुत तेज आवाज आ रही है, लेकिन आपको इसमें आवाज सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे कोई बड़ा जानवर लगा हुआ है, जैसे बाघ होगा ना। ये देखिए उसको फंसा रखा है जाल में या चिल्ला रहा हो। ये मतलब कि यहाँ का एरिया जो है काफी खतरे में है। हम यहाँ पे अभी जहाँ पे हैं तो हमें बिल्कुल संभल के रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। दोस्तों खाना खाना खा के हम थोड़ी देर आग पे बैठे हैं यहाँ पे, और अभी आपने आवाज सुनी होगी इसमें जो सामने वाले जंगल में से कोई जंगली जानवर जो चिल्ला रहा था बहुत ही, मुझे लग रहा कि कुछ भागा होगा उसके पीछे। हाँ, कोई भागा है या फिर मतलब पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है या कहीं से भाग के वो यहाँ तक आ गया है जहाँ चिल्ला रहा हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा होगा ना तो नीचे रोड है और गाड़ियां है आने जाने के देख रहा हो। हाँ। इस हिसाब से भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ डर बहुत है, बहुत तेज चिल्ला रहा था यार वो। अभी अभी आवाज बंद हुई है, खाना खाने के चल ही रहा था हमारा। हाँ। उसी बीच में था वो, अभी चुप हो रखा हो, अभी शांत हो रखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत खतरा है भाई, ध्यान देना पड़ेगा हमको इधर साइड। अब जैसे उठाएंगे तो उठना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा भाई। मेरे को तो वैसे भी मेरे कान लग जाते, डर लग जाती बहुत जल्दी। कितना टाइम हो रहा है अभी? 11:15 हो गए। हाँ, भी ठंड हो गए 11:15। चलो यार फिर चलो अंदर, चलो भाई डर है यहाँ पे। भाई साहब सही से सोना पड़ेगा, ध्यान देना भाई बिल्कुल भी। सोना भी है, डर लग रही है। तुम कह रहे हो सोना पड़ेगा, सोएंगे हम यहाँ पे? तुम्हें लगता है कि सो पाएंगे? हाँ देखो भी जो भी है सोना तो पड़ेगा ही ना यार, जिस हिसाब से वो आवाज अभी से आने लगी है 11 बजे। 7:15 बजे उजाला हो रहा है सही से। 2-4 घंटे भी अगर नींद आ गई, 2 घंटे अगर 2 घंटे भी नींद आ गई, अगर खतरा तो है यहाँ पे, अगर कोई भी जानवर आ सकता है यहाँ पे। आग जला लेंगे बाहर। हाँ आग तो जलानी पड़ेगी, सो जाते हैं यार अभी। चलो ना, तो दोस्तों आप सभी को गुड नाइट, आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। भाई हमें बाथरूम लगे यार, बाथरूम लगे करो, उठो फिर बाथरूम। हाँ चलो फिर, चलो जाते, चलो अमन चलो। साढ़े चार होने वाले हैं गाइस, बाथरूम कर लो फटाफट यार। भाई जो कुछ दिख रहा है अब ये, हाँ ये भाई रो बाय रो निकल रहा नीचे को, भाई भाग है ये तो शायद। ये देखियो जो कैमरा लेके आ, फिर जल्दी जा कैमरा लेके आ जल्दी, आज भाग जाओ पहले यहाँ से, एक जरा कैमरा दिखा, जरा कैमरा दिखा तेरे को, देखो दिखाते हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो आवा ना, लाठी ले आ जा, आ जा जल्दी, आ जा अकेले मत ले, निकल गया भाई निकल। उधर उधर आग चमक रही है, उधर वहां पे चमक रहा, आग चमक रही है उधर साइड में, वो रोड पे उधर। हां वो नीचे को चला गया शायद, अब नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा। और भाई ये सुबह, भाई जल्दी भागो भागो भागो, जल्दी भागो सुबह सुबह, जल्दी भागो भाई, जल्दी भागो, जल्दी भागो भाई, भाग गया शायद भाई, अंदर घुसो घुसो जल्दी घुसो भाई, भाई भाई ऊपर अंदर देखो, अबे कितना बड़ा है वो नीचे, उस बाघ बहुत तेज है यार, भयंकर रोड में वहां जाम दौड़ दौड़ते हुए जा रहे हो, पहले उसके टॉर्च लगाने के बाद दौड़ा होता है, टॉर्च लगाने के बाद उसकी आंखें चमकी, देखो ना आंखें चमकी, पहले थोड़ा भागे एकदम गुज्जू गुज्जू करना जाना, जब आंखें चमकी हम लोग भाग भाग करके तो सीधे सीधे भागा, उन्होंने कहा यहाँ पे है भाई लोग। हाँ सीधे भागते हुए नीचे गया,
काफी डर है यहाँ, बहुत डर है भाई, बहुत ज्यादा। और कितना हो रहा है बाहर, एक तो बारिश का मौसम भी हो रहा है, हवा देख रहे कितनी चल रही है, पूरा टेंट हमारा हिल रहा है। ओ भाई ऊपर को आ रहा था, क्या पता ऊपर ऊपर भाई से ऊपर को आ तो सुबह का टाइम है भाई साहब, भरोसा थोड़ा ना क्या घूम करके ऐसे आ जाए, क्योंकि जो कल रात का आवाज आ रही थी, जो इसका मतलब कि वो उसके चक्कर में आया, वो हाथ नहीं आया तो वो इधर को आ गया। आट, आट, आट। ये हवा है, ये हवा भी इतनी डरा रही है, तगड़ी हवा भी डरा रही है, डर से लग रही है। जब डरता ना आदमी तो सारा किसी चीज से भी डर जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो जो नीचे बाग था बहुत बड़ा है, बाग ही था वो, बाग हुआ ही बाग ही था वो, पता नहीं हमारे फोन में तो खैर वो उतना क्लियर दिख नहीं पाया, आप लोगों को दिखाई कहाँ दिखेगा, दिखा होगा क्योंकि काफी दूर था, काफी दूर था, रोड में था वो, चमक रही थी, टॉर्च लगाने चमक रहे, जब देखा ना ऐसे करो भक्त से तब चमक आगे और नीचे निकला हो, कैमरे में तो आया है वैसे, लेकिन एकदम दिखा कहाँ फिर एकदम से ऐसा लग, मतलब दिखा और निकल गया, जब तक हम कैमरा लाते तब तक तो निकल गया ठहरा, उतनी देर में निकल गया, पहले तो हमने देखा, लेकिन जब वो हमने जब कैमरा लाया उतनी देर में तो जैसे देखा थोड़ा आंखें चमकी उसकी, तब तक निकल गया नीचे, वो नीचे नीचे साइन निकल गया क्योंकि दूरी पे था ना कैमरा, इसलिए तो लोग कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे बाघ नहीं आता, करके 4:30 बजे बाघ रात 6 बजे आया घर में, 6 बजे आया था, दूसरा जो है आजकल 12 बजे वहाँ कहाँ पे और का सीन हो, नैनीताल में, भीमताल में सुबह 12 दिन के 12 बजे बताओ, महिला को खा गया, लड़की थी कोई, वो अच्छा वो लड़की थी, केस हो गया वहाँ पे भीमताल में, बहुत केस हो गया, वो भी दिन दोपहर भाई, दिन दोपहर में इतना, मतलब बाघ का इतना खतरा है भाई, और सुना है वो भी दिन में, रात तो उसी की ठहरी है बताओ, और वो बाघ साइड इधर से इधर साइड को भेज दिया है, पता नहीं क्या हो गया, बतरोज खान साइड, डर है यार बहुत डर है भाई, बहुत डर है भाई, रिस्क है बहुत ज्यादा, अब करे तो क्या करे फिर, हमारा तो काम ही है, हमें तो करना पड़ेगा, हमें साथ में कैमरा ले जाना जरूरी है, कि बाय चांस कुछ होता है तो साथ में चलने का, मोबाइल में अगर बाय चांस कुछ होता है किसी के हाथ अगर फोन पड़े, हाँ देख तो सके उसमें, देख सके, हाँ देख तो सोने के लिए, हाँ चलो चलो, ठंड भी बहुत हो रही है बहुत। भाई धूप में भी कोई जान नहीं है, धूप आ तो रखी है पर लेकिन लाइट आ रखी है, अब जरा जरा करके जरा तेज से आ रही है, बादल लगे हुए हैं, हवा चल रही है, लेकिन हवा चलते ही बादल फटाएंगे तो फिर उसके बाद सब बढ़िया धूप निकलेगी, इस चक्कर में अभी ठंडा है, बाकी मौसम मस्त है, बादल तो बहुत सारे लगे हैं, तो बोल तुम्हारा टाल से थामे हो गए हो। दोस्तों आप सभी को दीपक भाई और बल्लू भाई की तरफ से सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग, और हम आज काफी अच्छी सी लोकेशन में हैं, और अभी हमने पानी रखा है, मुंह हाथ धोएंगे और फिर जाके चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे घर की तरफ, तो करते हैं फटाफट चाय पानी की तैयारी, काफी मौसम अच्छा है भाई, मजा आ रहा है काफी, इधर को कैसा है जंगल, नीचे तो तगड़ा ही था,
बहुत बड़ा जंगल है यार नीचे को तो। बहुत बड़ा जंगल है नीचे तो। और अमन भाई हेलो, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? खुल गई तुम्हारी नींद? बड़े देर से आया यार, नींद खुल गई तुम्हारी? रात को तो बड़े जल्दी सो गए थे। 8 बजने वाले हैं, अंदर घुसते ही सो गया है। बाघ तो सुबह के टाइम में वॉशरूम गए तब आया। भाई साहब बाघ जब आया ना भाई साहब, इसने तो ऐसे दौड़ लगाई अमन, ये मेरे अंदर के अंदर ऐसा घुसा पता ही नहीं चला इसका। अमन गया नहीं गया लग रहा था, लेकिन भाई बहुत डर लगी थी अमन तो। हमने इसको पहले ही भगाया, भाई तू पहले भाग। अरे जिस हिसाब से आजकल आप बाघ आदमखोर बन रहे हो, सब डर ठहरा यार। बाकी यहाँ का मौसम अभी जो है कितना प्यारा हो रखा है। जब धूप नहीं आई थी उससे पहले बढ़िया मौसम हो रखा है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे मौसम। और धूप आने के बाद की मतलब मौसम थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि बादल जो है वो आने लग गया, फिर धुंध सी होने लग गई। बारिश का मौसम बन रहा है आज? बारिश हो सकती है आज, हो भी सकता है। आज नहीं होगा तो कल होगी बारिश। तो दोस्तों बारिश का नाम लिया और देखो बारिश की बूंदें पड़ने लग गई हैं, देख सकते हैं आप। बारिश होने लगी है भाई, वही तो मतलब उड़ते उड़ता फिरू में वाले छींटे आ रहे हैं। छींटे पड़ गए यहाँ पे टेंट में भी, दिखाते हैं आपको। हो सकता है कि शाम पे बारिश होगी तो फिर कहीं अच्छी से लोकेशन में जाएंगे, लेकिन यहाँ से हमको फटाफट निकलना पड़ेगा। पहले चाय पी के निकलना पड़ेगा। देखिए ये बूंदे यहाँ पर निकले, अब दिखेंगे तो देखिए ये मेरी परछाई लग जा रही है ना सर, क्या होंगी बूंदे। लेकिन ऊपर मौसम देखा, ऊपर मौसम देखो बादल लगे पड़े हैं प्यार से, और धूप भी आ रखी है, बड़े खिली है। मतलब बाकी कह नहीं सकते बारिश क्या हो रहा है, मतलब बारिश और धूप साथ साथ में है। आप मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सुबह की चाय है, चाय या बिस्किट मजा आ गया। धूप भी चली गई अभी, अभी कितनी प्यारी धूप खिली थी। अभी अभी सारी धूप निकल गई है फिर से। मालूम मौसम भाई बादलों का बढ़िया हो गया है। अभी दिखाते हैं आपको आसमान में कितना प्यारा मौसम हो चुका, पूरा मौसम घेर रखा है आज तो। बारिश का है डन, बारिश आती है। तो देख सकते हैं दोस्तों मौसम, आप ऊपर बादल कितने प्यारे हो रहे हैं, कितने प्यारा लग रहा है ना। वो सामने के सारे बादल इकट्ठे होंगे ना, ये सब ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, समझेगी बारिश तय होगी। बारिश तय होगी, कितना प्यारा लग रहा है ऊपर आसमान अभी। एक ही मतलब अलग ही मौसम है यार, सुकून वाला, जैसे रुए के गद्दे सारे फैला दिए होंगे आसमान में सोने के लिए, जैसे लगा दिया हमारे गद्दा लगा दिया होगा सोने के लिए, प्यारा सा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाना, जो कि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई उम्मीद लेके। तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और फटाफट हम टेंट निकालेंगे फिर चलेंगे घर की तरफ। तो दोस्तों हमने अपना सारा सामान अपना सारा पैक है कर लिया है, देख सकते हैं आप सारा पैक करिए। और यहाँ पे जितना भी हमारा कूड़ा था ना हमने अपने बैग में रख लिया है। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड में आप कहीं भी अगर कैंपिंग करना चाह रहे हो या कहीं भी इंजॉय करने आते हो, कृपया करके अपने साथ लेके चले और अच्छी सी जगह पे जहाँ पर कचरे का डिब्बा है वहीं पर डालें, जिससे कि हमारा उत्तराखंड बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहे। तो हम भी निकलते हैं अभी घर की तरफ।